नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर बुरी तरह हरा दिया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की लगातार यह सातवीं हार है, लेकिन इस हार के बाद पाकिस्तानी फैंस काफ़ी गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम का खूब मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को हराया, लेकिन उस हार के बाद पाकिस्तानी दर्शक और पाकिस्तानी फैंस उतने नाराज नहीं हुए, जबकि इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि उनकी टीम मैच नहीं बल्कि देश हार गई हो। मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान गवाह बना इंडिया की जीत का। इंडिया ने वर्ल्ड कप के अब तक के मैच में पाकिस्तान को सातवीं बार शिकस्त दी। हालांकि पाकिस्तान की हार अपेक्षित थी, क्योंकि इंडिया की टीम हर हाल में पाकिस्तान से बेटर टीम थी, लेकिन उनकी हार ने पाकिस्तानियों के पेट में ऐसा दर्द उठाया कि हजारों पाकिस्तानी फैंस को अब तक उल्टियाँ हो रही हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है। पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान का कैप्टन और पाकिस्तान टीम का मैनेजमेंट ब्रेनलेस हैं। इस भाई चलो ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। कोई इतनी सोच भी नहीं आई सरफराज को कि हम चेस अच्छा नहीं करते। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं। वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आके बैटिंग करने आए, वो मैं आगे बात करता हूं, लेकिन टॉस वॉज वेरी क्रूशल। दरअसल पाकिस्तान और वहाँ के लोग इंडिया के साथ होने वाले मैच को युद्ध के रूप में मान लेते हैं। हालांकि कमोबेश वैसी स्थिति इंडियंस फैन के साथ भी है, लेकिन भारत के फैंस इंडिया को पाकिस्तान पर जीत दर्ज करते हुए इसलिए तो देखना चाहते ही हैं, क्योंकि भारत के दर्शक भी पाकिस्तान से हारना नहीं चाहते। साथ ही साथ इसलिए भी इंडिया को जीतते देखना चाहते हैं कि इंडियन टीम उस लायक है कि वो पाकिस्तान को हरा सके।